आप सुनिए, आपने बातचीत की ना सर, आपने बातचीत की, अभी तक अतीक अहमद को लेकर सिंपैथी जो है आप उस पर बोल नहीं पाए। अब आप सुनिए सर, 2005 में राजूपाल का मर्डर हुआ था, आपकी सरकार थी, पोस्टर बॉय था नाहिद हसन, आप लोगों ने उसे टिकट दिया। सुनिए ना सर, सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया बिल्कुल शब्द मुंह में नहीं डाल रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ आपको और आपका आईना इस देश की और प्रदेश की जनता को, आप खिला रहे अनुराग भदौरिया और ये दिखा रहा है कि अधिक पर कार्रवाई हो रही है तो किसको दिक्कत हो रही है, किसके पेट में दर्द हो रहा है? अनुराग भदौरिया बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज डिबेट वीडियो के अंदर। दोस्तों इन दिनों यूपी की राजनीति काफी गर्माई हुई है, क्योंकि दोस्तों जब से माफिया डॉन अतीक अहमद को पंजाब जेल से यूपी जेल के अंदर शिफ्ट करने की बात चली है, तब से ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोले हुए हैं, और उनका कहना है कि जैसे विकास दुबे की गाड़ी पिछले दिनों पलटी थी, वैसे ही अतीक अहमद की भी गाड़ी बीच रास्ते में ही ना पलट जाए। दोस्तों आज की ये डिबेट भी इसी मुद्दे पर रखी गई है, जिसके अंदर आपको हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया और डिबेट के एंकर के बीच में काफ़ी तीखी बैठ देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करके जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनुराग भदौरिया, अगर माफिया के मन में दहशत है, लोगों को इससे दिक्कत नहीं, अखिलेश यादव को इतनी परेशानी क्या है, आप लोगों को क्यों दिक्कत है? गाड़ी पलट जाए, सुरक्षित पहुंचे ना पहुंचे, सरकार देखेगी क्या करना है। देखिए, हमें दिक्कत इस बात की है कि कानपुर में मां बेटी जिंदा जल गई। जिंदा जलने का मतलब समझते हैं? मां बेटी जिंदा जल गई, पुलिस प्रशासन देखता रहा, तो क्या सवाल नहीं उठेगा? आप बताइए, आप दिल पे हाथ रखिए, ये कानपुर की घटना पर चर्चा हो रही है, इस आजाद कानपुर का है अतीक अहमद, अनुराग भदौरिया सुनते, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप टोकिएगा, मैं अपनी बात कह लूं लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, चिल्लाइए मत, बीजेपी प्रवक्ता बन रहे हैं तो आप अपना कैमरा उठा लीजिए यहां से, मैं अपनी बात कह रहा हूं, बीच में टोक पड़े, लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही ना, लॉ एंड ऑर्डर पे बात होगी तो पूरी बात होगी ना, परेशान क्यों हो जाते हैं, पेट में दर्द क्यों हो गया, मैंने बोलना शुरू किया आपको तकलीफ हो गई, कमाल है भाई, ये हमारे हिंदुस्तान की समस्या कि सच बात बोलने लगे और आपको तकलीफ होने लगी। देखिए, सवाल यह है कि मां बेटी जिंदा चल गई, इसी उत्तर प्रदेश की बात है, कानपुर की, कोई दूसरी जगह की तो नहीं है। और जहां पुलिस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की एक पार्टी थी जिसने 100 डायल बनाया था पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए कि अपराधी तक पुलिस जल्दी से पहुंच जाए, इसलिए 100 डायल बनाया था ना, और अब पुलिस वाले इत्मीनान से काम कर पाए, सारी सुविधाएं उनके अंदर हो, तो पुलिस हेडक्वार्टर आलिशान किसने बनाया? समाजवादियों ने। और समाजवादियों ने क्या 100 डायल बना के 108 एम्बुलेंस भी बनाया कि अगर किसी को तकलीफ हो जाती है रास्ते में, रोड पे कहीं भी, तो तुरंत एम्बुलेंस ले जाके उनको अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, अपराधी को जल्दी पकड़ा जाए, इसलिए पुलिस सिस्टम हमने मजबूत किया, पुलिस हेडक्वार्टर हमने सुरक्षित अच्छा बनाया, हमने एम्बुलेंस दिया अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो समय से जल्दी पहुंच जाए। तो सवाल उठता है कि कहते हैं ना कि बस्ती में सियासत तो खूब करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने ना, ठीक, बस्ती की आवाज तो आप उठाओगे नहीं, महंगाई, बेरोजगारी। अनुराग भदौरिया, आपने 1.5-2 मिनट बोला, आगे आ रहा हूं, अरे प्रयागराज पे आ रहा हूं, रुको ना, मैं रुका हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, होल्ड करो भाई, 5 मिनट बोले थे, मैं तो अभी 2 मिनट नहीं हुआ, काहे इतना परेशान, होल्ड करो प्रयागराज पे आ रहा हूं, होल्ड करो, मैं प्रयागराज पे आ रहा हूं। आप बताओ, बीच में टोक पड़े, मैं आपके बीच में बोला नहीं था, मैंने प्रयागराज में जब ये घटना हुई तो कौन था? राहिल हसन, जो बीजेपी के यूथ मोर्चा अध्यक्ष था माइनॉरिटी का प्रयागराज में, कौन था राहिल हसन? किसने बनाया था इसको? उसका भाई इसमें अपराध में शामिल है, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, उसके बाद अपना चेहरे को छुपाने लगेंगे, और छुपाने के साथ साथ समाजवादी ने आवाज उठाई कि दिन दहाड़े गोली। अब सुनिए अनुराग भदौरिया, सुनिए सर, इतना नॉन स्टॉप नहीं सर, ये समाजवादी पार्टी या बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है कि मैं किसी भी नेता को नॉन स्टॉप 3-4-5 मिनट बोलने दूंगा। अब सुनिए, आपने बातचीत की, अभी तक अतीक अहमद को लेकर सिंपैथी क्यों है, आप उस पर बोल नहीं पाए। अब आप सुनिए सर, 2005 में राजूपाल का मर्डर हुआ था, आपकी सरकार थी, पोस्टर बॉय था नाहिद हसन, आप लोगों ने उसे टिकट दिया। सुनिए ना सर, सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया, मैं आपसे तुम तड़ाक नहीं कर रहा हूं, आपका
सम्मानजनक तरीके से बात करिए, सम्मानजनक तरीके से बात करिए। ये जो आप टैग देते हैं ना, ये जो आप सर्टिफिकेट देते हैं, तो पास रखिए उसको, मैं ऐसे झाड़ देता हूँ, उसको मैं झाड़ देता हूँ। मैं बिल्कुल आपके मुंह में नहीं डाल रहा हूँ, आप सुनिए ना सर, मैं बिल्कुल शब्द मुंह में नहीं डाल रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ आपको और आपका आईना इस देश की और प्रदेश की जनता को। सुनिए, मैंने तो कोई 2017 में आपने एमएलए का टिकट दिया था नाहिद हसन को, अतीक मुख्तार को आपने सपोर्ट किया, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव में कहता है आने दो सपाहियों का शासन, आने दो सपाहियों का शासन, देख लेंगे कौन किस पर बुलडोजर चलाता है। नहीं नहीं, आप चिल्ला रहे हैं अनुराग भदौरिया, और आप चिल्ला रहे हैं अनुराग भदौरिया, और ये दिखा रहा है कि अतीक पर कार्रवाई हो रही है, तो किसको दिक्कत हो रही है, किसके पेट में दर्द हो रहा है? अनुराग भदौरिया बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जैसे ही खबर मिली है कि अतीक अहमद को लेने उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है, अनुराग भदौरिया मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ऐसे खराब न हो जाए, मेरे पास है जो सत्ता में है जिम्मेदारी। अनुराग भदौरिया 2005 में किसके पास सरकार थी? अनुराग भदौरिया 2005 में किसके पास सरकार थी? राज्यपाल का मर्डर हुआ था, बोलिए ना किसके पास सरकार थी? जिम्मेदारी पांच अपराधों में यूपी नंबर वन था, पांच अपराधों में यूपी नंबर वन था आपके सरकार में, आपके शासन काल में। अनुराग भदौरिया आईना देखा करिए। अरे सुनो, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, आपको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हो गया, अतीक पर दो शब्द नहीं बोल पा रहे, मुख्तार पर दो शब्द नहीं बोल पा रहे, नाहिद हसन पर दो शब्द नहीं बोल पा रहे, विकास दुबे पर बोल नहीं पाएंगे। हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की डिबेट। डिबेट देखने के बाद में एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि हमारे जो डिबेट का स्तर है ना भाई, बहुत नीचे गिर चुका है। आप खुद बताइए, अगर आप डिबेट देखने के शौकीन हो, डिबेट देखना पसंद करते हो, पक्षों को सुनना पसंद करते हो, सभी पार्टियों के पक्ष को सुनना पसंद करते हो, तो आप खुद बताइए क्या डिबेट का स्तर हमारे देश के अंदर गिरा नहीं है? मतलब ये नेशनल डिब आप ऐसे ऐसे घटिया शब्द का उपयोग कर रहे हो किसी के भी बारे में, मतलब शर्म आनी चाहिए भाई हमारे देश के प्रवक्ताओं को, पार्टी के प्रवक्ताओं को। इतने बड़ी बड़े पार्टी के प्रवक्ता होकर आप लोग ऐसी बातें बोलते हो नेशनल टीवी पे आके, शर्म करनी चाहिए। एक बात तो तय हो चुकी है इस डिबेट देखने के बाद में, और समाजवादी पार्टी को तो पक्का ये बात उनके रिलेट करेगी कि भैया जो आज बाबा जी ने, जो हमारे योगी साहब ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को और गुंडे को, वो करके दिखा रहे वो लोग, और डर से है ना कांप रहे, ऐसे थर थर कांप रहे गुंडे माफिया सभी यूपी के अंदर, और क्राइम रेट भी नीचे गिरती जा रही है यूपी की। डर सता रहा है गुंडों के अंदर, माफिया के अंदर, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि माफिया और डॉन यूपी के अंदर बहुत ऊपर तक जा रहे थे, और कहीं किसी का डर नहीं था उन्हें, पुलिस का, प्रशासन का, किसी का नहीं। लेकिन आज के समय ये मैं बोल सकता हूँ कि यूपी के अंदर योगी का डर माफियाओं को, गुंडों को इतना सता रहे कि बेचारे भीगी बिल्ली होकर छिप चुके अपने बिलों के अंदर। रियलिटी है ये दोस्तों। आप बताइए आपको कैसे लगी है आज की ये वीडियो। अगर वीडियो थोड़े से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।